So welcome back to another video, and in this video we will find out how will you apply for the residence permit in Italy. मतलब कि आप work visa पे या student visa, that is for education purpose, आप visa लेके पहुंच गए हैं तो आपको residence का जो permit है वो कैसे मिलेगा, what is the process, कैसे होगा इसका पूरा completion, we will discuss all of it in this video. So stay tuned to this video till the end. Now to begin with, the very first point कि आपको residence permit क्यों चाहिए और ये होता क्या है. अब residence permit क्या है कि आप कभी 3 महीने से ज़्यादा इटली में रहना चाहते हैं, then you need a permit from the government. अब कैसा permit? इस permit में क्या होगा, आप work basis पे भी ले सकते हैं, आप student हैं तो for study purpose भी ले सकते हैं. So we are talking about studies particularly. So studies के लिए जो आपका ये रहेगा, जो permit रहेगा, उसका जो process है, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब हम आपको बताएंगे इस video में detail में. Now ये permit जरूरी है, इट इज जस्ट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो बताएगा कि हाँ आप फॉर स्टडी पर्पस इटली में रुके हुए हैं. अब इसको पूरा करने का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, वो सब डिस्कस करेंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कैसे, पहला है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का पहला काम, एंड द सेकेंड पॉइंट इज पुलिस स्टेशन. अब पोस्ट ऑफिस से शुरू करते हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि जैसे आप पहुंच गए, आज आपने वीजा लिया, वीजा की प्रोसेस आपकी हो गई है, आपका जो भी वीजा था, आप इंडिया से इटली पहुंच गए. अब इस वीजा के बेसिस पे आपके इटली में पहुंचने के बाद अगले 8 दिन में, दैट मींस विद इन 8 डेज और 1 वीक, आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है. अभी कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू गो टू पोस्ट ऑफिस. अब वहाँ आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, हाँ ये हर एक पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, सो यू गॉट टू फाइंड आउट. आप इंटरनेट पे सर्च करिए, लोगों से पूछिए एंड फाइंड आउट कि कौन से पोस्ट ऑफिस में होगा. नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाइए, देर यू विल टेक अ किट, एक एप्लीकेशन किट होती है जहाँ से ये प्रोसेस आपका पूरा शुरू होगा. अब एप्लीकेशन किट में क्या है, ये एक एनवलप है, आप इतना समझिए कि एक पेपर वर्क है, एक एनवलप है जिसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रखे हुए हैं, एक रिसीट रखी हुई है और एक मैनुअल रखा हुआ है असिस्टेंस के लिए कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है. ठीक है, अब इसमें जो ये फॉर्म है ये इटालियन लैंग्वेज में है, दैट मीन्स दैट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. आप नए हैं, आपको इटालियन नहीं आती है, सो हो सकता है आप नहीं कर पाएं, सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको इटालियन में फील करना है. स्टिल इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, दे हैव CAF, इनके एक ऑफिशियल टैक्स असिस्टेंस की जो एक इनका सेंटर है, ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे सेंटर पे आप जाइए और उस सेंटर पे जाके इस डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए हेल्प मांगिए, दे विल हेल्प यू आउट एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है आपका, बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, आप वहाँ से उनकी मदद से पूरा फॉर्म फिल करिए. अब इसमें काफ़ी कुछ है, इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, और इस कार्ड पे आपको एक स्टैम्प लगाना है. वो स्टैम्प कहाँ मिलेगा आपको, दैट इज़ ऑन अ स्मोक शॉप. स्मोक शॉप वहाँ पे आपको इटालियन लैंग्वेज में भी इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको एक इटालियन जो स्मोक शॉप है वहाँ जाना है, आपको एक स्टैम्प लेना है, दैट इज़ फॉर रेवेन्यू स्टैम्प, और आप कह सकते हैं ड्यूटी स्टैम्प, जो कि आएगा आपका कुछ 16 यूरोज़ का. तो वो 16 यूरोज़ का आप स्टैम्प लीजिए एंड पुट इट इन योर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी. अब जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आपका फॉर्म पूरा हो जाता है, नाउ वट यू हैव टू डू, अब ये जो फॉर्म आपने भरा है, जहाँ से आपने जिस पोस्ट ऑफिस से, जिस ऑफिसर से आपने लिया था, वापस आपको उस ऑफिस में जाना है. नाउ यू नीड टू गो बैक टू दैट ऑफिसर और आपको ये फॉर्म पूरा बताना है उनको, ये कि आपने ये डिटेल्स फिल करी है. जब वो चेक कर लेते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड कि आपने इस फॉर्म में कोई गलती नहीं करी है, एवरीथिंग इज फाइन, यू हैव अटैच योर डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, बट लेटर इन दिस वीडियो. फॉर नाउ मान लेते हैं कि आपका ये प्रोसेस यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, आपने कोई गलती नहीं करी है, आपका फॉर्म कंप्लीट है, इटालियन में था, कर दिया आपने, आपने खुद नहीं किया तो CAF में जाके करवा लिया. सो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप इन्हें डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन, आप जब ये सबमिट कर देते हैं, आफ्टर दैट जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का काम जो है, अब यहाँ से अब आपको जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, तो ये आपके जो ऑफिसर है, फाइनल करने के बाद आपको एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे. अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कि आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी होता है, इस पर्टिकुलर डेट को आपको पुलिस स्टेशन में जाना है फॉर योर फर्दर प्रोसेस. सो अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, कब, जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ सबमिट कर देंगे. अब मान लेते हैं, चलिए हाँ यहाँ तक आप समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस हो चुका है. अब मैं गया था, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं जाता हूँ, मेरा हो गया प्रोसेस, मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया, बट मैंने क्या बोला कि इसको होने में 1 से 3 महीने लगते हैं, हो सकता है 3 महीने लग जाए आपके इसमें. सो इन दैट केस, अगर ये 3 महीने के बीच में कोई मुझसे इंक्वायरी करता है कि आप किस बेसिस पे इटली में रह रहे हैं,
सो मैं क्या करूंगा इस बेस पे, फिर मेरे पास कोई जवाब होना चाहिए ना इसका, आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके सपोर्ट में। इन दैट केस आपको जब आप पोस्ट ऑफिस में जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जब आपकी किट वापस सबमिट करते हैं, तो आपको एक रिसीट दी जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट, उसको रिसिप्ट नहीं रिसीट ही बोलते हैं, सो आई एम डूइंग इट करेक्ट, डोंट वरी। सो जो वो रिसिप्ट आपको मिलती है, उस रिसिप्ट के बेसिस पे आपका जब तक आपका ओरिजिनल जो आपका कार्ड नहीं आ जाता, आपका जो परमिट नहीं आ जाता, जब तक आप वो रिसिप्ट लेकर रखिए आपके साथ एंड कीप इट विथ यू, उसको बिल्कुल संभाल कर रखिए क्योंकि आगे के प्रोसेस में भी काम आएगा। और इन 2-3 महीनों के बीच में अगर कोई आपसे कुछ इंक्वायरी करता है, कुछ पूछता है, तो वो रिसिप्ट के बेसिस पे आप बता सकते हैं दैट यू हैव अप्लाइड फॉर इट। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब जब हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ पुलिस स्टेशन, हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नाउ ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज पुलिस स्टेशन। वहां आपको क्या करना है, एज सून एज यू रीच ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दी थी, मान लेते हैं आज से 2 महीने के बाद की थी, अब आज से 2 महीने बाद जब आप अपॉइंटमेंट के लिए आपके पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इंक्लूडिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज, सब आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड इज उस रिसीट की हम बात कर रहे थे, जो हम आप मैंने बोला था ना आपके पास एक प्रूफ रहेगा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर इट, वो जो रिसीट है वो पॉजिटिवली आपके साथ लेके जाना। अब ये जो आपकी रिसीट हो गई, आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये लेके आप पहुंच जाइए। अब वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, नाउ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विल लेट यू नो इन दिस वीडियो, वेट फॉर इट, आफ्टर दिस प्रोसेस हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। हाँ, अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँच गए आप, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब आपके साथ क्या होगा, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जैसे आपके बायोमेट्रिक्स की डिटेल्स हो गई, वो आपके जो ऑफिसर हैं, जो आपके जो भी आपके जो प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं, वो आपके बायोमेट्रिक्स पर देंगे, आपके बायोमेट्रिक्स लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, एंड देन दिल आस्क यू सम क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड लाइक टू मेक श्योर कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपके बोलने के एक्सप्रेशन से, हाउ यू आर स्पीकिंग, उनसे भी आधी बातें उन्हें समझ आ जाएगी कि दैट हाउ ट्रू यू आर व्हेन यू आर स्पीकिंग दैट इन्फॉर्मेशन। नाउ अब इटालियन जो आपका रेसिडेंस परमिट का जो कार्ड है वो कैसे आएगा, आप मान लेते हैं कि वाला प्रोसेस हो गया है, आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया, उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने बायोमेट्रिक्स दे दिया, नाउ यू आर डन विद दिस प्रोसेस, अब आपका कार्ड कैसे आएगा। फॉर दैट आपने जहां आपका ये सबमिशन किया, जहां आपका ये अपॉइंटमेंट था जिस पुलिस स्टेशन में, वही पुलिस स्टेशन से आपको बाद में कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है, अगले 2-3 महीने में ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको उस दिन भी मिल जाए, या तो फिर आपको फोन नंबर के थ्रू आपको डिटेल्स आ जाएगी दैट योर परमिट कार्ड इज रेडी एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट इट। सो हो सकता है आपको उसी दिन डेट मिल जाए या बाद में मिल जाए। सो दिस इज ऑल फॉर द प्रोसेस, प्रोसेस में इतना ही होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स मुझे याद नहीं, आई नीड टू सी द पेपर, मैंने क्या क्या निकाल कर रखा आपके लिए। हाँ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, अ पासपोर्ट साइज जो इतना छोटू वाला जो फोटो होता है, यू नीड 4 of them। देन यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट जो आपने बनवाया ट्रेवल वाला जो पासपोर्ट है, दैट इज रिक्वायर्ड। देन आफ्टर दैट यू नीड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर वर्क परमिट और कॉलेज परमिट, या जिस भी आप बेसिस पर आ रहे हैं। हम स्टडीज की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, आपका एडमिशन लेटर हो गया, आपका कोई फी रिसिट है तो वो हो गया, ट्यूशन फी का रिसिट हो गया, हो सकता है आपका एडमिशन लेटर हो आपके पास, ये आ जाएगा उसमें। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, दैट कैन बी ऑफ इंडिया, दैट कैन बी ऑफ इटली, नो वरीज, बट ये होना चाहिए आपके पास। दिस आर द डॉक्यूमेंट्स, आई गेस या दिस इज ऑल फॉर इट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। आपका हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बेसिस पे आप जा रहे हैं स्टडीज के लिए जा रहे हैं, सो आपके स्टडीज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप आपके ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपीज कैरी करें आपके साथ। एंड आई लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जिस भी दिन आपने, जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं, तो इंडिया में जब आपने वीज़ा बनवाया था, तो उस वीज़ा को बनवाते हुए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सपोर्ट के लिए दिए थे, हो सकता है आपने 4 डॉक्यूमेंट दिए हो 6 डॉक्यूमेंट दिए हो, वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर आना है। इवन इफ योर वर्क इज डन, इवन इफ आपका वीज़ा बन चुका है, यू हैव योर वीज़ा इन हैंड, बट स्टिल जो वीज़ा बनवाने के टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो हो सकता है आपसे वापस मांगे जाएं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो वीज़ा के टाइम डॉक्यूमेंट्स थे वो भी आप आपके साथ कैरी करें। सो दिस इज ऑल फॉर द प्रोसेस, प्रोसेस में आपको समझा चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स आई हैव टोल्ड यू, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करिए, रिवाइंड करिए, एंड मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ कैरी करें ऑन द डे फ्रॉम 1 to 2 till द लास्ट प्रोसेस इन नेक्स्ट 2-3 months। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस, वी विल गिव आर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, इफ नॉट दैट कमेंट ऑन द पोस्ट, शेयर इट विद एवरीवन हु इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, एंड आई गेस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, थैंक यू फॉर watching.